कि जब 19 तारीख को हमें गिरफ्तार करके घटनास्थल से गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया, उसमें जो मुसलमान थे उनको तो अलग निकाल लिया गया, जो बाकी लोग बचे थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे जो के मौके से पकड़ कर आए थे। थोड़ी देर इधर उधर टेलीफोन हुआ, उसके बाद उनको सबको छेड़ दिया। और रात में मैंने एक पोस्ट डाली कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं, विरोध और प्रतिरोध जो है शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, जो मेरी फेसबुक पे है। ये सारी कार्रवाई करके मैं सो गया। अगले दिन 20 दिसंबर को लगभग 11 बजे मेरे घर पर जो है पुलिस आई, सीओ आया, इंस्पेक्टर आया, दो तीन गाड़ियां आई, उन्होंने मुझे नीचे बुलाया। मैं बिना को खास कपड़े पहने ही जो है नीचे चला गया। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गिरफ्तार नहीं करें, आपको थाने पर चल के बैठना है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है 151 की अरेस्ट हो, सवेरे ले जाएंगे, शाम को छोड़ देंगे। मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं उनके साथ चला गया। वहाँ शाम 5 बजे तक मुझे थाने पर बैठाए रखा। 5:30 बजे वहाँ का इंस्पेक्टर लेके मुझे हजरतगंज थाने पे गया। वहाँ इंस्पेक्टर से मैंने फिर पूछा कि क्या मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? दूसरे बड़े टॉन्टिंग वे में कहा कि हाँ 39 हो गए हैं, आप आज 40 में है। मैंने कहा इट्स वेलकम, आप मुझे गिरफ्तार के लिए आपको करना है। उसके बाद मुझे थाने पर बैठा दिया गया। 8 बजे के करीब जो रिमांड मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया गया। मैंने अपनी बात रखी। रिमांड मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके खिलाफ बताइए क्या इनका आरोप है, ये तो अपने घर पर नज़रबंद थे, इनकी जो फेसबुक है उस पर कोई किसी प्रकार की बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इनका रिमांड नहीं दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। और वो जो सब इंस्पेक्टर था आइए होता वो हाथ पैर जोड़ता रहा, वो नहीं माने। उसके बाद इंस्पेक्टर आया, 1 घंटे तक वो हाथ पैर जोड़ता रहा, मजिस्ट्रेट ने मेरा रिमांड नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे नीचे जिम में भेज दिया और 4 घंटे के बाद मुझे थाने पर ले आए और ला के जहाँ दफ्तर होता वहाँ बैठा दिया। और आके पुलिस ने क्या लिखा, पुलिस ने ये लिखा कि हम रिमांड लेने के लिए गए थे परंतु रिमांड मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं हुए। अब पुलिस का झूठ देखिए, मैं पेश होता हूँ, मेरे सामने वो लिखते हैं कि मैं SSP को आपके खिलाफ लिखूंगा और पुलिस लिखती है कि वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दूसरा, मुझे पुलिस 20 तारीख को 11:30 बजे घर से गिरफ्तार करती है, परंतु पुलिस मेरी गिरफ्तारी शाम को 7 बजे, रात में 7 बजे किसी पार्क से दिखाती है, उस पार्क का मैं नाम नहीं जानता। तो ये मैं जानता पुलिस ऐसा करती है, पर एक IG रैंक का ऑफिसर जो सारे कायदे कानून जानता है उसकी गिरफ्तारी जो है वो सवेरे 11:30 बजे से ना दिखा के रात को 7 बजे दिखाई जाती है। उसके बाद मुझे थाने पर बिठा दिया जाता है और मैं कोई खास कपड़े नहीं पहना था, सर्दी की रात है, मैं कहता हूँ आप मुझे कंबल दीजिए, वो कहते हैं हम आपको कंबल नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूँ मुझे कंबल दीजिए, उन्होंने कहा कि आपको कोई कंबल नहीं दिया जाएगा। मैं सारी इसी तरह से मैं अपने बेटे से फ़ोन करके कंबल मंगवाता हूँ और मैं कंबल ओढ़ के बैठता हूँ। अगले दिन 5 बजे तक मैं वहीं बैठा रहता हूँ। फिर मुझे लेके गाड़ी में लेके दूसरों के साथ जो है जेल ले जाया जाता है और वहाँ पर जो रिमांड मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है। मैं वही बात दोहराता हूँ, परंतु वो नहीं मानते और मुझे 14 दिन का जो है जेल रिमांड जो है दे देते हैं। और वहाँ पर जो है 9:30 बजे रात में 21 तारीख को 9:30 बजे मैं बैरिक में पहुँचता हूँ और इस दौरान मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि अरेस्टेड पर्सन का एक राइट होता है कि उसको खाना दिया जाना चाहिए। जब मुझे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहे थे तो मैंने कहा कि मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आपको कोई वकील जो है वो नहीं दिया जाए। मैंने कहा कि आपने मेरा 161 का बयान नहीं लिखा, उन्होंने कहा हमने जो लिखना था लिख लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पुलिस एक IG रैंक के 32 साल की सर्विस वाले के साथ इस प्रकार से सारा जाल पट्टा करती है, सब झूठ करती है, वो एक आम आदमी के साथ क्या करती हुई। और उसके बाद मैं जेल जाता हूँ। वहाँ पर जो है दो बड़ी चीज़ें मेरे जानकारी में आती हैं। अगले दिन जब मैं जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनसे मैं मिलता हूँ, एक तो बड़ी बात मुझे ये आती है कि उस थाने पर और एक दूसरे थाने पर जितने भी लोग गिरफ्तार करके आए थे सबकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की है, और जितने गिरफ्तार लोग थे उनमें केवल 2 लोगों को छोड़ के, मुझे और एक मोहम्मद शेख जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है, इन 2 लोगों को शायद हमारी उम्र का लिहाज किया, उनको 2 को छोड़ के कबीर जो है SSP अपने सामने निकलवा के इनको पीटते हैं, कहते हैं इतना पीटो कि कम से कम 1.5 इंच इनका पीछा जो है वो उठ जाना चाहिए। और ये अम्बेडकर है इनको पीटा जाता है, सफद जफर है उनको पीटा जाता है, मेरे साथ 3 लड़के और जाते हैं उनको बुरी तरह से पीटा जाता है। एक तो सबकी पिटाई की गई, वो शायद इसीलिए की गई, जोगी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और सबक सिखाएंगे, तो उन्होंने सबक सिखाया, ठीक है, वो सिखा सकते थे कस्टडी मेकर से। एक दूसरी बड़ी बात जो मुझे वहाँ जेल में पता चला,
जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि जब 19 तारीख को हमें गिरफ्तार करके घटनास्थल से गिरफ्तार करके थाने पे लाया गया, उसमें जो मुसलमान थे उनको तो अलग निकाल लिया गया, जो बाकी लोग बचे थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे जो के मौके से पकड़ कर आए थे। थोड़ी देर इधर उधर टेलीफोन हुआ, उसके बाद उनको सबको छेड़ दिया। इसलिए मेरा ये आरोप है कि वहां पर जो हिंसा है वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उस भीड़ में जाके जो हिंसा करवाई है, जबकि वहां पर जो लोग 4:30 बजे तक प्रदर्शन कर रहे थे वो सारे के सारे पीसफुल थे। इसी संबंध में यही बात जो है मुझे बहुत बड़े इंटरनेशनल मीडिया के कॉरेस्पोंडेंट ने बताया कि मैं यूपी के सारे शहरों में गया हूँ, हर एक जगह पर ये बात आई है कि वहां पर अजनबी लोग थे। लखनऊ के प्रेस में भी 20 तारीख को ये बात छपी थी कि उस घटनास्थल पे कुछ ऐसे लोग थे जो बाहरी लोग थे। तो वो जो लोग हैं वो आरएस और बीजेपी के लोग थे जिन्होंने जानबूझ के वहां पर हिंसा भड़काई ताकि हमें बदनाम किया जा सके और हमें विक्टिमाइज किया जा सके। एक और बड़ी बात जो है मुझे ये पता चला कि वहां पर जो मैं तो हाउस अरेस्ट में था, वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें केवल मुसलमान नहीं थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में गैर मुसलमान लोग थे जो कि वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे। और इसी प्रकार से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में गैर मुसलमान लोग हैं। तो ये इस योगी सरकार की जो कोशिश थी कि हम इसको पुलिस बना मुसलमान करेंगे और फिर मुसलमानों को फिक्स करेंगे, हम लोगों ने लखनऊ की जो सांझी संस्कृति है, हम लोगों ने योगी का ये जो साजिश थी उसको बिल्कुल विफल कर दिया। हमने पुलिस बनाम जो है वो मुसलमान नहीं होने दिया। तो ये जो सारा किया गया, मुझे टारगेट क्यों किया गया ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानवाधिकार पे काम करता हूँ, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का मैं उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जोगी जी का जो ठोको अभियान चल रहा जिसमें 5,000 से ज्यादा जो है वो एनकाउंटर किए जा चुके हैं, उनमें से 99% एनकाउंटर जो है वो फर्जी है, मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के दावे के तौर पर कहता हूँ। और पीयूसीएफ की तरफ से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनरल चार्ज का दायर कर रखी है जिसमें स्टेट को नोटिस जारी हो चुका, और मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के 1 साल का आरटीआई के अंडर जितने भी एनकाउंटर हुए सबका डेटा लेके मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। एक तो ये कारण था, और दूसरा मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, सारे प्रेस नोट जो है इसके खिलाफ मेरे उससे जाते रहे, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका, तो मुझे मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा भी था, और जो मैं ह्यूमन राइट्स के पक्ष में जो कार्रवाई करता रहता था वो भी एक कारण बना है। तो वहां पर मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी सरकार लखनऊ में और लखनऊ के बाद पुरुष बनाम मुसलमान करने में बिल्कुल बबल नहीं है, वहां के सब हिंदू सिख ईसाई जितने लोग थे सबने मिलकर योगी की जो विफलता थी उसको जो है वो किया है। तो ये मेरी कहानी है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।